प्रश्नावली 6.3 दूसरे का पहला सवाल, अज्ञात कोण x व y का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। आकृति बनी हुई त्रिभुज की, जिसमें a कोण दिया है x डिग्री, b कोण दिया है 50 डिग्री और c कोण दिया है y डिग्री। बाहर का जो कोण दिया है वो हमें दिया है 120 डिग्री का। तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के बाएं कोण का मान अपने दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, त्रिभुज के बाएं कोण का मान अपने दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसीलिए कोण x डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 120 डिग्री, ये दोनों अंतः सम्मुख कोण है, इसके इन दोनों का योग अपने बाहर वाले कोण के बराबर होगा। तो x प्लस 50 डिग्री बराबर 120 डिग्री, तो x का मान ज्ञात करना है, x का पक्षांतरण करेंगे तो बराबर के इधर भेजेंगे 50 को तो माइनस में बदल जाएगा, तो x बराबर 120 माइनस के 50 डिग्री बराबर 70 डिग्री। अब इस x का मान हम यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं 70 डिग्री। तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। a कोण का मान आया है 70 डिग्री, b का मान दिया है 50 डिग्री और y का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो y बराबर 180 डिग्री। 70 और हम 50 को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री प्लस y का y बराबर 180 डिग्री। y का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, पक्षांतरण करेंगे तो 180 डिग्री माइनस के 120 डिग्री और y का मान आ जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार तीसरा सवाल है जिसमें ए बी सी त्रिभुज बना हुआ है, ए शीर्ष कोण 50 डिग्री का है, वाई कोण का मान ज्ञात करना है और सी कोण का दिया है 60 डिग्री और बाएं कोण का मान जेड का हमें मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाएं कोण का मान नहीं दिया, तो अंतः वाले कोण त्रिभुज के अंतः वाले कोण का हम यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए का मान है 50 डिग्री, बी का मान है y डिग्री और सी का मान है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इन दो 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। y का मान ज्ञात करेंगे, पक्षांतरण करेंगे यहाँ पर तो 110 को बराबर के उधर भेजेंगे तो घटाओं में बदल जाएगा, y बराबर 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटाएंगे तो y बराबर 70 डिग्री का मान हमें y डिग्री का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के बाएं कोण का मान अपने दोनों अंतर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात इस z कोण का मान अंतर दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, तो 50 प्लस 60 बराबर 110 डिग्री इस z कोण का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा।